नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं एंकर परेश फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैसे आज ना बहुत आप लोगों को कपड़े देख के ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये अतरंगी पहन के आया है। क्यों नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज मेरे साथ आ जाए ना जो टिकटॉक पे तो काफ़ी फेमस है और बहुत जगह फेमस है। मैंने इनके बारे में जितना जाना है, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हसीना पारकर, ऐसी फिल्में इन्होंने की है। सो आज मेरे साथ है यहाँ पर अर्चना जी, वेलकम है आपका नागपुर में। थैंक यू सो मच। कैसा लगा नागपुर सबसे पहले बताओ? मैं फर्स्ट टाइम नागपुर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है ये शहर और यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आई हूँ अपना परफॉर्म करने के लिए, तो जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही मेरे साथ हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बस और क्या चाहती हूँ मैं, बस मुझे मज़ा आया। कल इनका शो था बंटाए जी भी थे और ये भी थे वहाँ पे और काफ़ी अच्छा शो हुआ और बहुत पसंद किया लोगों ने। सो मैं चलो वो तो एक अलग बात है, शो करियर के लिए बात करते हैं। ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी थी सुपर डुपर हिट फिल्म में आपने की, हसीना पारकर जैसी फिल्म में की, सो और आगे भी कुछ प्रोजेक्ट है आपके? हाँ जी, अभी एक्चुअली मैंने कुछ टाइम के लिए बॉलीवुड को थोड़ा सा साइड में रख दिया है और अभी मैं टॉलीवुड में चली गई हूँ। तो टॉलीवुड में अगर मैं बात करूँ तो 4 मूवीज़ मैंने की है, मतलब कर रही हूँ, जिसमें से 2 मूवी कम्प्लीट हो गई है। एक मूवी बहुत बड़ी है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकती, किसी बड़े सुपरस्टार के बेटे के साथ है एज अ लीड। तो मेरी सारी डेब्यू मूवी जो भी आ रही है वो बहुत अच्छी है और हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में है, तो आप हिंदी में भी उनको देख सकते हैं। हम तो तेलुगु में भी देख के आपको ही देख के हम पसंद कर लेंगे, उसमें डायलॉग का क्या लेना देना, इतनी खूबसूरत अदाकार है यार। थैंक यू सो मच। तो ना एक ऐसी चीज़ थी, मैं जब हम लोगों ने सर्च किया या फिर अगर आपका नाम गूगल को ही सर्च करता है तो सबसे पहले वो बिकनी वाला आ जाता है और जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला है और वो मॉडल शो शायद आप विनर भी रहे हैं, तो उसके बारे में बताओ। एक्चुअली ये जो कंपटीशन था ये 2018 में मिस बिकनी इंडिया एक चीज फ्लॉप हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आगे जाऊंगी और चीजें हिट दूंगी। देखो कितने सारे लोग फ्लॉप हो गए, हिट होते हैं। अक्षय कुमार साहब देखो कितनी फिल्में उनकी फ्लॉप पे फ्लॉप हुई और आज सुपर डुपर हिट। एक चीज और कि अभी तक जो आपके दर्शक हैं उन्होंने आपको सेक्सी एंड हॉट लुक में देखा है, अगर आप फिल्म मेक करती है तो आपको किस तरीके का रोल करना पसंद है? देखो जैसे मैं अभी एक मूवी कर रही हूँ, चलो मैं मूवी का नाम आपको बता देती हूँ। बता दो क्योंकि मैं किसी को नहीं पता, मेरे को बता दो। मेरी मूवी का नाम है IPL और ये क्रिकेट से रिलेटेड है, जो IPL के लोग होते हैं खेलते हैं तो उससे रिलेटेड है और लव स्टोरी है। तो उसमें जो मेरा रोल है वो अंकिता है और मैं एक ऐसी लड़की हूँ, पब्लिक लड़की हूँ, स्कूटी चलाती हूँ, बाइक चलाती हूँ। एक लड़के को मुझसे प्यार हो जाता है तो थोड़ा एटीट्यूड की वजह से उसे इग्नोर करती हूँ, फिर मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है पर उसको क्रिकेट से प्यार हो जाता है, तो ये ट्राइंगल हम लोगों का चल जाता है। एक कह सकते हैं ऐसे कैरेक्टर जो सैराट में आर्ची का था, तुम्हें
सर्वे सर्वे दर्शक दर्शक मला मला खूप आवडतात खूप आवडतात. इसका मतलब ये होता है कि आप सभी दर्शक मुझे बहुत पसंद है. So, मुझे भी बहुत पसंद है. मुझे भी सभी दर्शकों के बिना तो हम अधूरे हैं. सो इनका ये कहानी आप ऐसी चलती रहे, आप आगे बढ़ते रहे, हमारी विशेष आपकी आपके लिए बहुत सारी. सो फिलहाल के लिए इतना है, फिर मिलेंगे कुछ नए कलाकारों के साथ, कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ. तब तक के लिए आप सबको जय हिंद.